क्या आप ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी में यकीन रखते हैं? अगर हाँ तो इस बार का डीएससी शो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस बार डॉक्टर सुभाष चंद्रा अपने अनुभव से आपको ये बताएंगे कि जीवन में ओरिजिनल रहकर और क्रिएटिव बनकर आप नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य को भी मुमकिन कैसे बना सकते हैं। कामयाबी के इस मंत्र के साथ अपना अपॉइंटमेंट अभी से फिक्स कर लीजिए। अपनी इंट्यूशन को मजबूत करने के लिए दो रास्ते केवल, एक रास्ता ये थिंक इट ड्रिंक इट स्लीप विद इट बी विद इट ऑल द टाइम, दूसरा रास्ता विच कैन कम ओनली थ्रू मेडिटेशन एंड थ्रू स्पिरिचुअल एक्टिविटी। अभी आपके पास 250 महिलाएं रेगुलर काम कर रही हैं, बताएंगी मुझे कितना पैसा कमाती हैं? मैं ये काम कभी भी पैसे कमाने के लिए नहीं किया। देखिए मैंने ये प्रश्न जानबूझ के पूछा उनसे ताकि ये हम सबके सामने भी आए कि मिसेस सोनथलिया ये काम पैसे के लिए नहीं करती। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो शनिवार रात 10 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। और अब देखते हैं कि आज के दिन क्या क्या हुआ था। भारत के आधिकारिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन की स्थापना आज ही के दिन वर्ष 1959 में हुई थी। हालांकि दूरदर्शन का नियमित प्रसारण 1965 में शुरू हुआ। 1965 में ही 5 मिनट के खबरों के बुलेटिन की शुरुआत भी हुई थी। इसके बाद दूरदर्शन के जरिए हम लोग, बुनियाद, नुक्कड़, रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिक देश भर में लोकप्रिय हुए। कृषि दर्शन देश में सबसे लंबे समय तक चलने वाला दूरदर्शन का कार्यक्रम है। अभी दूरदर्शन के कुल 21 चैनल्स का प्रसारण होता है। हालांकि वर्ष 1992 में देश में पहला प्राइवेट सैटेलाइट चैनल जी टीवी लॉन्च हुआ था, जिसने दूरदर्शन के इस एकाधिकार को तोड़ दिया था। 1935 में आज जर्मनी के यहूदियों की नागरिकता के अधिकार छीन लिए गए थे और इसी के साथ उन्हें लोक सेवा के पदों से बेदखल कर दिया गया था। उन्हें आर्यन से शादी करने की भी इजाजत नहीं थी। जर्मनी में तमाम दुकानों और होटल्स के बाहर लिख दिया गया था, Jews not welcome। आज ही के दिन वर्ष 1876 में महान साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। शरद चंद्र की रचनाएं सामाजिक प्रथाओं, अलग अलग जीवन शैलियों और ब्रिटिश भारत में लोगों के संघर्ष को सामने रखती थी। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने लोकप्रिय उपन्यासों और कहानियों में सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया। परिणीता, चरित्रहीन, देवदास और श्रीकांत शरद चंद्र द्वारा लिखी गई कुछ यादगार रचनाएं हैं। माना जाता है कि उनके लिखे उपन्यासों और छोटी कहानियों पर अलग अलग भारतीय भाषाओं में करीब 50 फिल्में बनी हैं। शरद चंद्र के उपन्यास देवदास पर 16 अलग अलग फिल्में बनाई जा चुकी हैं। तमिल राजनीति में सबसे खास जगह रखने वाले CN अन्नादुरई का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1909 में हुआ था। अन्नादुरई तमिल भाषा के सम्मानित लेखक और पत्रकार थे। उन्होंने 1949 में राजनीतिक पार्टी DMK की स्थापना की थी। वर्ष 1967 में CN अन्नादुरई मद्रास स्टेट के मुख्यमंत्री चुने गए थे और उन्होंने ही मद्रास स्टेट को तमिलनाडु का नाम दिया था। 1890 में आज विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार अगाथा क्रिस्टी का जन्म हुआ था। अगाथा क्रिस्टी को क्राइम नॉवेलिस्ट के तौर पर याद किया जाता है। उन्होंने 66 जासूसी उपन्यास और 14 लघु कथा संग्रह लिखे थे। और वर्ष 2008 में आज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी लीमन ब्रदर्स ने खुद को बैंक्रप्ट यानी दिवालिया घोषित कर दिया था। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा था और आर्थिक मंदी आ गई थी। उस समय लीमन ब्रदर्स की संपत्ति $639 अरब यानी करीब 40 लाख करोड़ रुपए की थी और उनके ऊपर कर्ज $613 अरब यानी करीब 39 लाख करोड़ रुपए का था। लीमन ब्रदर्स की बैंक्रप्सी को अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी बैंक्रप्सी माना जाता है। तो DNA में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। कल हम आपको पूरे हफ्ते के बेहतरीन DNA टेस्ट दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने देश को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान जरूर दीजिए। आपके संस्कार और संकल्प से भारत की तस्वीर निश्चित तौर पर बदल सकती है। नमस्कार।